हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई पावरफुल वीडियो में। हम विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता का धन्यवाद करते हैं जो पिता ने हम सभी को सुरक्षित रखा। मेरे प्रियजनों, इस वीडियो को समय निकाल कर पूरा देख लेना, आपके मसीह जीवन में लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी। मत्ती 24 अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ, एक समय की बात है जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, कौन, यीशु मसीह। तो चेले एकांत में आकर यीशु मसीह से पूछने लगे। यीशु मसीह से चेले लोग पूछने लगे, तेरे आने का और तेरे जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। आगे यीशु मसीह ने 4 वचन में अपने चेलों से एक बात कही थी। अपने वचन में यीशु ने उनको उत्तर दिया। किसको दिया? अपने चेलों को उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले जानते थे कि मेरे जाने के बाद ऐसे मसीही, पास्टर, विश्वासी, भविष्यद्वक्ता उठेंगे जो अद्भुत चिन्ह, चमत्कार, मिराकल दिखाएंगे और चुने हुओं को भी भरमाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, वे मेरे नाम ही से आएंगे और तुमको भरमा देंगे, चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे, तुक्का मारेंगे। यीशु मसीह ने अपने वचन के माध्यम से कहा है, जैसे मत्ती 24 का 36 वचन में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। यहाँ पर यीशु मसीह के आने की बात हो रही है। उस दिन के, किस दिन के विषय में? जब यीशु मसीह आएगा, उस घड़ी के विषय में, उस दिन के विषय में किसी को नहीं पता है। वह घड़ी दोपहर की भी हो सकती है, रात की भी हो सकती है, नाश्ता करते समय के वक्त की भी हो सकती है। मेरे प्रियजनों, ठीक है, यीशु मसीह का वचन कहता, उस समय दो मनुष्य खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मेरे प्रियजनों, हम नहीं जानते हैं कि हमारा प्रभु किस दिन आएगा, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। मेरे प्रियजनों, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 44 वचन में, इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह आ जाएगा। कोई तो इस समय पाप कर रहा होगा, कोई तो इसमें बाइबल पढ़ रहा होगा, कोई तो इसमें प्रार्थना कर रहा होगा। मेरे प्रियजनों, जो समय तैयार होगा, जो अपनी तैयारी बना के रखा होगा, वही स्वर्ग में उठाया जाएगा। जहाँ पर यीशु मसीह रहता है वह जगह पवित्र है। भैया, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि समय कम है, दिन बुरे हैं, समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं। जागो, जागो, कब तक पाप करते रहोगे मेरे प्रियजनों? क्या अंत नहीं? आप कभी तो अंत होगा इन सब पापों का, इसलिए अपना मन फिरा लो। समय कम है, दिन बुरे हैं, यीशु आने वाले हैं। यीशु मसीह ने कहा है, तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो जब यीशु मसीह आएगा। भैया, ठीक है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, अपने पापों को मेरे सामने मानो, पश्चाताप करो, उन्हें छोड़ो। यीशु मसीह ने कहा, जो अपने अपराधों को छिपा लेता है, उसको नहीं मानता, उसका कार्य कभी सफल भी नहीं होता है ना मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा है, उस रात दो मनुष्य खाट पर सोते होंगे, एक को बदलकर उठा लिया जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। मतलब जो तैयार होगा, जो तैयारी बना के रखा होगा, वचन में तैयार होगा, प्रार्थना में मजबूत होगा, है ना, वही यीशु मसीह के साथ उठाया जाएगा। जो पवित्र नहीं होगा, जो इस संसार में गुला मिला होगा, वो स्वर्ग में नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, प्रभु ने आपके हाथ में चुनाव रख दिया, फैसला भी आपका है, चुनाव भी आपका है, चुन लो जिसको चुनना चाहते हो। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गुड लक।